रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल, यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं, यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। एक काम करो, मेरे गुगु से शादी कर मेरे घर पर आ जा। फिर रोज मुझे ऐसे डांटती रहना, मुझे अच्छा लगेगा। क्या हुआ, फिर से गुगु ने कुछ कह दिया क्या? कहा होता तो मैं समझ भी जाती, पर वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। एक बार किसी की चुप्पी उसके शब्दों से ज्यादा तकलीफ देती है। बेवकूफ है मेरा गुगु, रात को तुम्हारे नाम के चिराग जलाता है और सुबह तुम्हारी रोशनी से दूर भागता है। बेटा कुछ तो है जो वो चाहकर भी हमें नहीं बता पा रहा है, कुछ तो है वो जो छुपा रहा है मुझसे भी, पर मैं उसकी आंखें पढ़ सकती हूँ। तू एक काम कर, मुझे आज शाम को 5 बजे माता के मंदिर में मिल। मंदिर में क्यों? अरे तूने सुना नहीं है क्या कभी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं? इस जासूस, आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, तू तो बस वही करती जा जो मैं कह रही हूँ, समझी? माफ करना बेटा, हम पार्टी में आ नहीं सके, पर मैंने सुना जश्न काफी बड़ा था। हाँ कोई बात नहीं आंटी, वो आर्यन भाई जिस रूम में रहते थे ना, वहाँ कुछ पेपर्स भूल गए थे तो वही लेने आई थी, मैं ले लूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। जय जय, अंतरा के साथ जा, उसको रास्ता पता है, फिर भी बता देता हूँ। राइट जाओ, लेफ्ट लेके सीढ़ियाँ चढ़ो और फिर जो कमरा देखे वही था उनका। ऐसा क्या काम कर रहा है जो उसके साथ जा नहीं सकता? चल उठ। अरे जा ना। आ गई। आएगी ना, ऐसी हरकतें करोगी तो। किसने कहा था ऐसा करने को? एक तो मुझे लगी है एंड तुम मुझे डांट रहे हो, कैसे लड़के हो तुम? तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आओ उठो ध्यान से। माँ को बुलाता हूँ, वो दवा लगा देगी। तुम ही लगा दो ना प्लीज। क्या है ना, मुझे डर लगता है। दिन में? हाँ, तुम्हारे साथ तो रात में भी नहीं लगेगा। मैं माँ को बुलाता हूँ, एक सेकंड। तुम रुको ना प्लीज। शुक्रिया, आपने इतने कम समय में मुझे चंदेरी बंगलो दिलवा दिया। अरे मैडम, शुक्रिया तो आपका, आप हमारे टॉप मोस्ट क्लाइंट हैं। मैडम आप मुझे अपनी हर प्रॉपर्टी डील में याद रखते हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। आप बैठकर भी बात कर सकते हैं, बैठिए। नहीं ठीक हूँ, लीजिए आप पहले खाइए। हाँ साहब के लिए मंगवाए हैं। नहीं नहीं, ये मेरा ग्रीन टी का टाइम है। तो हुकुम कीजिए, ग्रीन टी हाजिर कर देते हैं।
अरे ये अभी तक यही है? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताएं मैडम आपको, जिद पे अड़ा है कि नौकरी पे रख लीजिए। अब आप ही बताइए, हमारे घर मकान बनाने के कारोबार में इसका क्या काम? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डॉक्टर ज्योति कश्यप का बाप है ना? हाँ मैडम वही है। मैडम हेलो मिस्टर कश्यप। हेलो मैम। मैं रोहिणी सिंह हूँ। जी नमस्ते। सॉरी आपको यहाँ बहुत देर से वेट करना पड़ा, पर अच्छी खबर यह है कि मिस्टर कुकरेजा ने आपको अपनी नई कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया है। मैम सच? हेलो हाँ माँ मंदिर। अच्छा ठीक है अभी आती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ज्योति घर वापस आ गई होगी। आज मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता। उम्मीद करता हूं कि वो मुझे माफ कर सके। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, मैं अभी ज्योति को बता के आती हूँ। नहीं नहीं मीना, ज्योति को नहीं, कभी नहीं। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ज्योति ये खबर सुनकर खुश नहीं होगी बल्कि उसे दुख होगा कि मुझे इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है और मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता भी ना। वैसे भी हमारे बच्चों ने अब तक क्या कम दुख झेले। क्या हम कभी कपिल की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाएंगे? नहीं मीना, इस जन्म में तो नहीं। हालांकि मैं जानता हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन बिना हर सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने दिल को मनाने की कोशिश करता हूं, अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं कि काश मैं उस आदमी को माफ कर पाऊं, भूल जाऊं जिसकी वजह से हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया इस दुनिया से, जिसकी वजह से हमारा परिवार अधूरा हो गया, जिसकी वजह से हमारी बहू विधवा हो गई। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता वीर, क्योंकि इस बूढ़े बाप के सीने में इतना बड़ा दिल नहीं है। लेकिन मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। जी दादी। मंदिर जी मैं अभी है। मिस जासूस ने मुझे यहां मंदिर में क्यों बुलाया होगा? आना जरूरी है क्या मॉम? पारुल और मैं अभी अभी आइसक्रीम खा के आए हैं। बहू अंतरा को बोल अगर सरप्राइज चाहिए तो आइसक्रीम छोड़कर जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज मॉम? तुम लोगों ने सुना नहीं कि दादी ने क्या कहा? जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है?
माना द्वाराघाट छोटा शहर है, पर इतना छोटा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा टकराते रहें। ये इत्तेफाकन है डॉक्टर ज्योति, या तुम मेरा पीछा कर रही हो? अरे बहू, क्या बात कर रही हो, ये तुम्हारा पीछा क्यों करेगी? इसे मैंने बुलाया है। दादी, ये सब क्या है? मैंने कहा ना आपसे, मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद और मुझे हेडक्वार्टर्स भी जाना है। मैं बाद में मिलता हूं। अरे अरे सुन बेटा, हर बात में जल्दी रहती है तुझे, पर अपने दिल की बात बताने में इतनी देर करता है क्यों? आधी आप ये कि क्या बात कर रही है? मुझे पता है तू खुद नहीं बताएगा, इसलिए मैंने सोचा कि सबको मैं ही बता दूं। तभी मैंने सबको बुलाया है यहां पर मंदिर में। बीच में टोकना मत जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से जब से मैं गुगु से बात करती थी तो मुझे खोया खोया लगता था। तो मैंने सोचा आखिर कौन है जिसने मेरी गुगु के दिल में जगह बना ली है। फिर जवाब तो मुझे यहां पर मिला जब मैंने इन दोनों को आमने सामने देखा। पता चला वो तो डॉक्टर ज्योति है। मतलब ये आर्यन को प्यार हो गया है इस काबिल खूबसूरत डॉक्टर ज्योति से। और तू इतनी अनजान क्यों बन रही है? तुझे क्या लगा इस जासूस से अपने दिल की बात छुपा सकेगी? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों मुकर ना जाओ, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ मंदिर में बुलाया है, ताकि भगवान को साक्षी मानकर तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल दो। और नई जिंदगी की शुरुआत करो बेटा। इधर आ बेटा। हाथ दे पुत्र। दादी आपको गलतफहमी हुई है, मैं ज्योति से प्यार नहीं करता।
क्या कह रहे तू? नहीं, मैं नहीं मानती। मेरी बूढ़ी आंखें तेरे बारे में ऐसा धोखा नहीं खा सकती। गुगु, तू ये कहना चाह रहा है कि अभी तक जो कुछ भी मैंने तेरे प्यार के बारे में सोचा, परखा, वो सब झूठ था, वो सब गलत था? जी नहीं दादी, आप जो सोच रही है वो पूरी तरह गलत नहीं है। कोई जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता। लेकिन वो ज्योति नहीं, पारुल है। सुना पारुल, आर्यन ने क्या कहा? कि वो तुझे प्यार करता है। और ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ। और पता है, ये खुशी मुझे तुझसे मिली है, इसलिए थैंक यू सो मच। सच्ची आलू भैया? मैंने जिसे चुना है वो पारुल ही है। दादी, ज्योति को यहाँ बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो रहे थे। आपने सोचा इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसा ही हो? माँ, अब आप भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। गुग्गू ने कितना अच्छा और बड़ा डिसीजन लिया है। हम कब से परेशान थे कि ये शादी कब करेगा। हाँ, मैं खुश तो हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आर्यन की आंखों में पारुल के लिए वो प्यार नहीं देखा, वो चमक नहीं देखी जो मैंने। ओहो, अब इसमें आपकी आंखें कमजोर है तो कोई क्या करे माँ। अब आर्यन ने खुद अपना फैसला सुनाया है ना, तो हमें उसकी खुशियों में शरीक होना चाहिए कि नहीं? तो खुश हो जाइए। यही कि पारुल मेरी भाभी बनने वाली है। OMG, अब हम रोज आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। थैंक यू आलू भैया। वैसे मैं जानती थी आप पारुल को हाथ से नहीं जाने देंगे। आर्यन को प्यार हो गया है इस काबिल खूबसूरत डॉक्टर ज्योति से, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ मंदिर में बुलाया है, ताकि भगवान को साक्षी मानकर तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल दो। मैं ज्योति से प्यार नहीं करता है। कोई जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता, लेकिन वो ज्योति नहीं, पारुल है। अरे ज्योति, अच्छा हुआ तू आ गई। देख ना, मोटर भी नहीं चल रहा, पानी भी ऊपर कैसे चढ़ेगा, जरा देख तो सही। और हाँ,
संध्या बोल रही थी इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, जरा देख लेना उसे भी। हाँ मैम ठीक है मैं देखती हूँ। वहां भी नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी भाभी। हाँ मगर अपना दर्द तुम मुझसे नहीं छुपा पाऊंगी, इसलिए ये स्ट्रांग बनने का दिखावा तुम किसी और के सामने करना। शांत हो जाओ, क्या हुआ है? अभी दिल में कोई और ही है।